चलिए जी, आज हम बनाते हैं रवे की बर्फी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप रवा लिया है, बिल्कुल साफ और क्लीन रवा है क्योंकि मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। चलिए जी, अब हमें इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करना है थोड़ा सा घी डालकर। इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए मैं इसे बना रही हूँ देसी घी में। आप चाहें तो वनस्पति घी में भी आप इसको बना सकते हैं। ये भी लेकर आई थी ना उस दिन सेल में से, ये वो वाला है, बहुत हैंडली है और बहुत प्यारा है। बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें इसमें, रनी रनी नहीं होना चाहिए ये। चलिए जी, इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बस इस स्टेज पे जो है हमें इसमें डाल देना है जो हमारे घर में बची हुई मलाई होती है ना तपेली में, बस हमें इसमें वही डालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। चाहे तो आप ये वाली मलाई भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन नीड ही नहीं है हमें इसको डालने की। हमें ना इसको बिल्कुल सिंपल और घर के ही आइटम से बनाना है। अगेन मैंने फिर से दूध की तपेली ले ली है, जो कि दूध थोड़ा बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाला है और ये मलाई मैंने इसमें डाल दी क्योंकि काफी ज्यादा मलाई जो है इसमें है, प्लस जो मैं फ्रीजर में रखती हूँ उसमें से भी मैं थोड़ी सी मलाई ले लूंगी इसमें डालने के लिए। और डालते बराबर जो है वो हमें इसे इस तरह से सब में मिक्स कर देना है ताकि ये थोड़ा सा भूने। ये देखिए, हमें इसको भी भूनना है। और ये देखिए, ये फ्रीजर में रखी हुई मलाई थी जो कि मैं लेके इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी और इस तरीके से ही इसको मैं कट करूंगी। इतनी मैं डाल चुकी हूँ तो बहुत ज्यादा डालने की नीड नहीं है। ये देखिए बस, अब जो दूध की तपेली हमने मलाई के लिए यूज करी थी उसी को हम चाश बनाने के लिए यूज करेंगे। चलिए जी, मैंने ये वाला एक चौथाई कप इसमें पानी रखा है। एक कप मैंने लिया था रवा, तो मैं एक कप ही करीब लूंगी शुगर। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दी है, हल्का सा पानी मैंने और डाला है शुगर को रिंस करने के लिए। बस ज्यादा पानी नहीं रखना है वरना ना शीरा जो है वो बहुत देर में बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसकी हम बनाएंगे दो तार की चाश। इस बीच लगा लेते हैं थाली पर घी जिसमें हमें इसको सेट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें कर देंगे ग्रीसिंग ताकि हमारी जो मिठाई है वो बन के अच्छे से रेडी हो। चलिए जी, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हुई है या नहीं। अभी नहीं हुआ, ये देखिए ऐसे ही टपक रही है, तार नहीं बन रहा। प्लेट टेस्ट कर लेते हैं हम, ये हमने लिया वो ताता है। ये देखिए, ये देखिए, ये दो तार की चाश हमारी रेडी है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे डाल देंगे। ये स्पैचुला है ना, ये इसका बहुत ही सही यूज है, ये कि एक्स्ट्रा कुछ भी निकालना हो आपको तो डेफिनेटली आप इससे निकालें। अच्छा, अब प्रोसेस यहां स्टार्ट हुआ है। अभी कुकटॉप की फ्लेम हमारी बंद है, बिल्कुल हमने इसको ऑन नहीं करी है। हमें इसकी सारी गर्मी जो है वो निकालना है, ऐसे ही इसको मिक्स करना है, गैस को ऑन नहीं करना है। ये हम ऐसे ही पहले नॉर्मल मिक्स करेंगे और इसको सूखने देंगे। ये सूजी जो है हमारी, इसको हम फूलने देंगे और चेक करेंगे कि हमारी चाश में सूजी कितनी रन कर रही है। अगर ये रन नहीं कर रही है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, 1/4 करीब। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमें बिल्कुल इसकी हार्ड वाली बर्फी नहीं बनाना है। साहब आए थे और मैंने उनको कह दिया हो गया, अगेन फिर से कर रही हूं तो नहीं नहीं रहने दीजिए। इसको हम देख लेते हैं कि ये हो गई, फूल गई है।
अभी हम इसकी इस तरह से सारी बॉर्डर सेट कर देंगे। हम इसमें डालेंगे गार्निशिंग। ये देखिए ये हो चुके हैं मेरे, देखिए कितना इजीली जो है ये बारीक स्लाइस हो रहा है। इससे हाथ कटने का डर भी नहीं है। ऐसे आप बादाम की भी कर सकते हैं ईद के टाइम पे। जी यहाँ रखो। चलिए जब हम इसकी कट लगा लेते हैं नफासत से। मेरी अम्मा इतनी बढ़िया बनाती हैं ये, लेकिन वो थोड़ी हार्ड वाली बनाती हैं। ये मुझे हार्ड वाली नहीं बनाना है, सॉफ्ट वाली ही बनाना है, क्योंकि ये मुझे नेबर्स के यहाँ पे पहुँचवाना है, तो हर कोई हार्ड नहीं खाता है इस वजह से। जी बाबू आप इससे क्यों कट कर रहे हैं? आप नाइफ वो सेल में से लाए थे ना? वो सेल में से नहीं, मोर में से लाए थे। वो सर्कल मोर से लाए थे पिज्जा कटर। तो पिज्जा कटर से कट करो। नहीं नहीं जिसके अंदर बहुत सारी ब्लेड है इतनी छोटी। अच्छा वो नहीं 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 वो उससे ना प्रॉपर नहीं होगा। अच्छा हाँ वो तो सेल में से लाए थे, वो शक्कर पारा कटर जो आता है उसका कह रहा है बच्चा। मैंने बनाया। दो मिनट बाबू मैं ये कट कर लूँ फिर मैं देखती हूँ। अब हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए कवर अप करके हवा में। हटना बेटा। ओहो माय गॉड मेरे बेटे ने क्या बनाया ये बताइए गुड्डा। दो मिनट आइए बताइए दिखाइए। ओ वाह इसका स्नैपशॉट लो। ये वाला सॉन्ग है ना चल रहा है, जब मेरा गुड्डा छोटा था ना 6 महीने का, तो ना जाने उसको इसमें क्या समझ में आता था। क्यों गुड्डा इसमें क्या पसंद था आपको? ये क्या करता बस इसको अगेन अगेन पे इस पे रिपीटेशंस पे हम डाल देते और ये सुना करता। मतलब एक दिन तो मुझे याद है मैंने जुनेद से बोला जुनेद आप इस सॉन्ग को बंद कर दो वरना बाखुदा मुझे वॉमिट आ जाएगी। है ना गुड्डा? बाप रे पता नहीं क्या पसंद था इस गुड्डा को इसमें, और अभी भी जो है ये गुड्डा अभी भी देखता है। पता नहीं इतना डीप सॉन्ग है और वो गुड्डा बताओ ना क्या पसंद था आपको। और एक वो राम चाहे लीला चाहे वो भी बहुत पसंद था। नहीं चलो उसमें तो म्यूजिक था तो समझ में आता, लेकिन ये रोते गाने में क्या पसंद था गुड्डा को? 6 महीने के बच्चे को ना जाने क्या पसंद था। अब तो माशाल्लाह से मेरा बेटा मेरे शोल्डर से भी ऊपर है, मेरे ईयर तक है ना।